Hello everyone, this is Dr. Richa Singh. In this video, I am going to explain structure of a pollen grain and the process of fertilization. So, let's start our topic. Students, मैंने यहाँ पर pollen grain का structure draw किया है, तो चलिए देखते हैं. Pollen grain students double layer structure से surrounded होता है. जो आउटर लेयर होता है उसे हम कहते हैं एक्साइल. आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइल एंड इट इज मेड अप ऑफ ए कंपाउंड नोन एज स्पोरोपोलिनिन. ओके, और ये स्पोरोपोलिनिन क्या करता है, इस पॉलिन ग्रेन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि पॉलिन ग्रेन्स को पॉलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तो कहीं ये डिजनरेट ना कर जाए, कहीं पॉलिन ग्रेन किसी एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव ना कर पाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो स्पोरो पॉलिनिन की बनी होती है. लेकिन ये जो स्पोरो पॉलिनिन का बना हुआ इसका आउटर लेयर एक्साइन है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता. आप देख रहे होंगे कि मैंने कहीं कहीं स्पेस छोड़ दिया, जैसे देखिए यहाँ ये स्पेस जो मैंने छोड़ा है, तो ये क्या होता है, ये लेयर कंटिन्यूअस नहीं होता है. यहाँ जगह जगह पे क्या होता है, स्पेस होता है इसमें. और जो इनर लेयर होता है, जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया है, इनर लेयर इज नोन एज इन टाइम. ओके, एंड हियर टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, वन इज ट्यूब न्यूक्लियस एंड सेकेंड वन इज जनरेटिव न्यूक्लियस. और जो साइटोप्लाज्म मैंने यहां डॉटर ड्रॉ किया है, दिस साइटोप्लाज्म इज नोन एज ट्यूब सेल साइटोप्लाज्म. ओके, तो चलिए फिर से एक बार स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलिन ग्रेन इज मेड अप ऑफ टू लेयर स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन इज एक्साइल एंड सेकेंड वन इज एंटाइल. देन इनसाइड द ट्यूब सेल साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, वन इज ट्यूब न्यूक्लियस एंड सेकेंड वन इज जनरेटिव न्यूक्लियस. स्टूडेंट्स, ये जो स्पेस मैंने बताया कि यहां पर स्पेस होता है, मीन्स एक्साइल की लेयर जो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, वो इसलिए क्योंकि जो ये आपका इनटाइम होता है, यहीं से पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. और अगर ये कंटिन्यूअस रहेगा आपका एक्साइल, तो पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. तो पॉलिन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए जो आउटर लेयर होती है एक्साइल, वो कंटिन्यूअस नहीं होती है. तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, ये जो इंटाइल है ये यहां से ऐसे पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगी. ओके, जब ये पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस दोनों कहां आ जाएंगे, ये मूव कर जाएंगे पॉलिन ट्यूब के अंदर. ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस कहां भी मूव कर जा रहे हैं, पॉलिन ट्यूब के अंदर. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलिन ट्यूब. ओके, दोनों ही ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस कहां मूव करके, पॉलिन ट्यूब के अंदर. और ये पॉलिन ट्यूब ग्रो करती रहेगी और उसके अंदर ये क्या करते रहेंगे, दोनों ही न्यूक्लियस जो कि आपके ट्यूब और जनरेटिव न्यूक्लियस है, साथ साथ मूव करते रहेंगे. ये तब तक इसकी ग्रोथ होती रहेगी पॉलिन ट्यूब की, जब तक कि ये फीमेल गैमेटोफाइट और वी कैन से एम्ब्रियो सैक तक ये नहीं पहुंच जाता. तो अब क्या होगा स्टूडेंट, जब ये ट्रेवल करता रहता है पॉलिन ट्यूब के अंदर, तो ये जो आपका जनरेटिव न्यूक्लियस है ये माइटोटिकली डिवाइड करता है और टू मेल गैमिट का फॉर्मेशन करता है. इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करता है और दो मेल गैमिट का फॉर्मेशन करता है. और जैसे ही ये पॉलिन ट्यूब पहुंचता है एम्ब्रियो सैक के पास, तो पॉलिन ट्यूब क्या होगा, आप यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम के थ्रू इसको आपको अच्छे से क्लियर करूंगी. तो जब स्टूडेंट्स ये आपके मेल गैमेट्स और ट्यूब न्यूक्लियस, मींस आप पॉलिन ट्यूब में क्या है, एक ट्यूब न्यूक्लियस है और दो मेल गैमेट है, तो जब ये तीनों पहुंच जाएंगे एम्ब्रियो सैक तक, अब इनके वहां तक पहुंचने के मोड्स कई हो सकते हैं, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग.
तो जैसे ही वहां पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है ये डीजनरेट कर जाता है, और जो ये मेल गैमिट होते हैं, दो मेल, मैंने बताया कि दो मेल गैमिट होते हैं, एक जा करके एक सेल के साथ फ्यूज करता है और दूसरा मेल गैमिट जा करके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए मैच्योर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर इसलिए आपको डिस्कस किया आपके साथ, क्योंकि अगर आप इसके स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली समझ पाएंगे तब जब हम लोग फर्टिलाइजेशन को डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि नहीं, कौन सा सेल डिवाइड कर रहा, कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक हो रहा है और मियोटिक हो रहा है, या फिर कहें कि ट्यूब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है या जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने आपको पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझाया है। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मीन्स यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो आपका जनरेटिव न्यूक्लियस है ये डिवाइड करके मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है, और जब मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 8 न्यूक्लियाई होते हैं, 3 एंटीपोडल होते हैं और एक एक सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो अभी स्टूडेंट्स, अब जो एग है, एग सेल के साथ मेल गैमेट का फ्यूजन और जो दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं उसके साथ दूसरे मेल गैमेट का फ्यूजन, इसे ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्चुअली एक के साथ मेल गैमेट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है, लेकिन इस केस में हम डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे जिसमें कि साथ ही साथ 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं। सो वी कैन से दैट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म विच अंडरगोज प्री डिटरमाइंड मोड ऑफ डिविजन टू फॉर्म एम्ब्रियो। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा जो जायगोट है ये मेनी टाइम्स डिवाइड करता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। अब इस फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं डिफरेंट स्टेप्स इन फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट वन इज जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ऑन स्टिग्मा। मैंने आपको पॉलिनेशन भी डिस्कस किया है आपके साथ, तो पॉलिनेशन में क्या होता था, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो अब ये पॉलन ग्रेन स्टूडेंट्स कहाँ ट्रांसफर होंगे, स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे। अगर आपको ये ड्रॉ डायग्राम याद हो, अगर ये पॉलन ग्रेन है, ओके, तो ये पॉलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर होगा, इस स्टिग्मा पर आकर के स्टिक कर जाएगा। ओके, तो पहला हमारा क्या है कि जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। अब ये स्टूडेंट्स, अब ये जो पॉलन ग्रेन यहां पर पहुंच गया है, क्योंकि पॉलिनेशन तो हो गया है, यहां पहुंच गया है पॉलन ग्रेन, तो क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा। ये स्टेप जो मैंने बताया है कि इन टाइम फॉर्म द पॉलन ट्यूब, इसी को कहते हैं जर्मिनेशन। ओके, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, जर्मिनेशन। स्टिग्मा पर आकर के पॉलन ग्रेन स्टिक कर गया है, अब यहां पर ये जर्मिनेट करेगा, मीन्स इस स्टाइल में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट स्टेप था जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, एंड सेकेंड वन इज पाथ टेकन बाय पॉलन ट्यूब। अब ये स्टूडेंट्स, यहां पर ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था, आपको याद होगा, डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया आपके साथ। तो अब ये पॉलन ट्यूब जब ग्रो करते करते जब यहां तक पहुंचेगा तो किस साइड से ये एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करता है, उसी को कहते हैं कि पाथ टेकन बाय ये पॉलन ट्यूब। मीन्स इसको एम्ब्रियो सैक तक पहुंचना है, इसको फर्टिलाइजेशन करना है, तो किस रूट से ये जाएगा कि ये जाकर के एग तक पहुंच पाए। तो ये
तीन चार तीन रीजन है, थ्रू माइक्रोपाइलर, थ्रू चलाजा एंड थ्रू इंटेगुमेंट्स। अगर आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद हो तो मैंने बताया था आपको कि माइक्रोपाइल वो इंड होता है जहां पर कि ओपनिंग होती है। जैसे ये इंड क्या हुआ स्टूडेंट, ये वाला पोर्शन, चलिए यहां पे एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर देती हूँ डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब ये पॉलन ट्यूब अगर इधर से एंट्री कर रहा है, ओके ये आपका है पॉलन ट्यूब और ये है एम्ब्रियो सेल। अगर पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर कर सकता है, फर्स्ट वन ही मैंने लिखा थ्रू माइक्रोपाइल, और दूसरा चला जा, मैंने कहा था जो माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट साइड होता है, मीन जो ये साइड हुआ, ये कौन सा साइड हुआ, चला जा साइड, तो चला जा साइड के थ्रू भी एंट्री कर सकता है। और थर्ड वन इज इंटेगुमेंट, जो स्टूडेंट्स इस एम्ब्रियो सैक को सराउंड किए होता है उसे हम क्या करते हैं, इंटेगुमेंट्स करते हैं। तो ये इंटेगुमेंट्स के थ्रू भी जा सकता है, चला जा के थ्रू भी जा सकता है और माइक्रोपाइल के थ्रू भी जा सकता है, लेकिन फाइनल इसकी एंट्री एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपाइल रीजन के थ्रू ही होती है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप, दैट इज पाथ टेकन अप बाय पॉलन ट्यूब। थर्ड वन इज एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेल। अब जब यहां पर पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स, यहां एक सेल हो गया, यहां दो सिनर्जिड्स हो गए और यहां पर क्या हो गए, दो पोलर न्यूक्लियाई हो गए और यहां पर एंटीपोडल सेल हो गई। क्लियर। अब जब पॉलन ट्यूब पहुंच गया है एम्ब्रियो सैक तक, किसी भी रूट से हो गया, लेकिन जब ये एम्ब्रियो सैक तक पहुंच गया स्टूडेंट, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि ट्यूब न्यूक्लियस क्या होता है। ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट कर जाता है और जो दो मेल गैमेट होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर उन्हें जाना है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जाने के लिए अब एक सेल और दो सिनर्जिड्स, मीन्स अगर एक एक सेल है तो उसके एक साइड इधर सिनर्जिड है और दूसरे साइड इधर सिनर्जिड है, तो ये क्या करेगा, किसी एक सिनर्जिड्स सिनर्जिड सेल के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस होता है स्टूडेंट्स, यहाँ छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। दिस फिलीफॉर्म एपरेटस गाइडेड पॉलन ट्यूब टू एंट्री इनसाइड द एम्ब्रियो सेल। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करती है, पॉलन ट्यूब को गाइड करती है कि आप इस साइड से आओ, और जिस साइड से ये पॉलन ट्यूब इंटर करता है एम्ब्रियो सेल के अंदर, दोनों सिनर्जिड में से किसी एक सिनर्जिड के थ्रू ही ये एंट्री करेगा, और जिस सिनर्जिड के थ्रू ये पॉलन ट्यूब एंट्री करेगा स्टूडेंट्स, वो सिनर्जिड क्या होती है, डिस्ट्रॉय कर जाती है, डीजनरेट कर जाती है, मीन्स एक एक सेल बचता और एक सिनर्जिड बचता है। सो दिस इज द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेल। थर्ड स्टेज और थर्ड स्टेप इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब स्टूडेंट्स, अब जब ये यहां एंट्री कर गए हैं, सपोज करिए इस सिनर्जिड के थ्रू पॉलन ट्यूब एंट्री किया, तो अब क्या होगा, दोनों ही मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच गए हैं, तो एक एम्ब्रियो सैक जाकर के इस एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा मेल गैमेट जाकर के दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट एक साथ दो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक में से कभी ओव्यूल का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, कभी ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना करके लेबलिंग करने के लिए दे दिया जाता है, या तो आपसे स्टेप्स पूछ लिए जाएंगे, या तो आपको पूरा ये स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा, पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब और जो भी आपके सिनर्जिड्स एक सेल, सब किसी भी चीज को आपको लेबलिंग करने के लिए दिया जा सकता है। इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको फर्टिलाइजेशन और स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलन ग्रेन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम इन स्टेप्स को डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।